अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पान मम्मी किचन में वेलकम, खुश आमदीद फ्रेंड्स। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बर्गर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चिकन के पीसेस लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसे पतले पतले चिकन को पीसेस ले लिए हैं। सब एक साइज़ के नहीं हैं, बट पतले से हैं और कोई छोटे कोई थोड़े से छोटे बड़े हो गए हैं कटिंग में। बट फ्रेंड्स, इसे हम ये देख सकते हैं आप, इसका हम बर्गर बनाएंगे। इसे फ्रेंड्स मैंने विनीगर लगा कर धुल लिया है और अच्छी तरह से मैंने इसे 3 से 4 पानी वॉश कर लिया था। और अब इसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं, जिसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है। देखिए, ये लहसुन था पहले और अब ये अदरक का पेस्ट है। ये कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर है फ्रेंड्स, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और थोड़ा सा चिकन फ्राई मसाला है, नींबू मैं इसमें निचोड़ूंगी फ्रेंड्स, इसमें मैं 1 अदद नींबू निचोड़ने वाली हूँ। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी, बीज आपको निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे मिला लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला कर मुझे मसाला मैरिनेट करके इसे मैं 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं, और आपको जल्दी बनाना है तो आप 1/2 घंटे में भी इसे पका सकते हैं। ये सब आपकी मर्ज़ी फ्रेंड्स, पर जितना ज़्यादा गोश्त में मसाला भी लगा होता है उतना ज़्यादा मसाला गोश्त में भीग जाता है और अच्छा सा फ्लेवर आता है उसका। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम रख देते हैं ढककर। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने निकाल लिया है फ्रिज से। आप देख सकते हैं मसाला कितनी अच्छी तरीके से इसमें ऑब्जर्व हो चुका है, कलर चेंज हो गया है। ये देखिए फ्रेंड, इसे मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर मिला लिया है, 1 चुटकी नमक मिला लेना है आपको। और इसे इसके अंदर मैं चिकन के पीस को देखिए डीप कर रही हूँ, तो थोड़ा सा दबा दबा कर पुश करके मैं इसे अच्छे से चिकन में लगने दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, और अब इसे मैं कूल वाटर में थोड़ा सा डीप करूँगी। और अब वापस से मैं इसको मैदे और कॉर्नफ्लावर में डीप कर रही हूँ। देखिए, इसे दबा दबा कर मुझे करना है ताकि इसमें जितना भी ऑब्जॉर्ब हो सके वो होए। उसके बाद बाकी का हमें एक्स्ट्रा झाड़ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, फ्राई पैन मेरा गर्म हो गया है, मैंने ऑयल डाल दिया उसमें, बस बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है मैंने। इसको शैलो फ्राई ही करेंगे हम, डीप फ्राई नहीं करेंगे। फ्राई पैन को थोड़ा हम ऑयल्स को फैला लेंगे फ्राई पैन में। और अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें हम चिकन के पीसेस डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और इस तरह से हम दूसरा भी बनाएंगे। देखिए, मैं झाड़ रही हूँ जो एक्स्ट्रा है, और अब इस पर जो इसे मैंने इसे पानी में लगा दिया। और अब ये मैंने थोड़े से बाज़ार से जो पैकेट मिलती है वेफर की, आप उस वो फोड़ कर उसमें भी आप इसे कर सकते हैं क्रम्स। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, इसलिए मैंने ये लगाया है।
फ्रेंड तो माय बैंगल जो आता है वो उसे ही मैंने फोड़ के उसमें मिला कर लगा दिया है। अब इसे हम फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर ढक कर इसे हम 2 से 3 मिनट ढक कर इसे हम पका लेंगे ताकि चिकन अंदर से गल भी जाए और ये फ्राई भी हो जाए अच्छी तरह से। अब देखिए फ्रेंड इसे हम चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं बस इस तरह से हमें दोनों भी पलट कर पका लेना है। फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। देखिए कितना खर खर सा आवाज़ आ रहा था इसमें, बहुत ही क्रंची सा बना था माशाल्लाह से ये। अब फ्रेंड इसे हम ढक कर फिर 2 से 3 मिनट इसे हम करेंगे और अब चलिए हम बन कटिंग कर लेते हैं। बर्गर के बंस हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए बन कटिंग हो गया है। देखिए फ्रेंड्स ये भी तैयार हो गया है। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा सॉस मिला रही हूँ, ये पिज़्ज़ा सॉस है जो हम बर्गर में भी लगा सकते हैं। ये मायोनीज है, ये मायोनीज और पिज़्ज़ा सॉस मैंने मिलाकर देखिए इसे इस तरह से इसका पेस्ट बनाया है और अब मैं इसके सेकंड पार्ट पे ये लगा रही हूँ। आप चाहें तो बर्गर को थोड़ा सा मस्ती में फ्राई कर दें और या तो आप ये सब सारी सब्ज़ियाँ डालने के बाद भी आप इसे स्टीम कर सकती हैं, थोड़ी देर के लिए फ्राई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब मैंने इसे पत्ता गोभी रख दिया है, कैबेज, और अब मैं इसके ऊपर चिकन के पीस डाल रख रही हूँ और अब शिमला मिर्च है और टमाटो। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स अब ये मायोनीज डाल दिया मैंने। फिर मैंने ये चीज़ की स्लाइस रखी है इसके ऊपर। चीज़ की स्लाइस रखने के बाद फिर मैंने मायोनीज लगाया और अब मैं सेकंड बन उसके ऊपर रख रही हूँ। फ्रेंड्स माशाल्लाह से बहुत ही ख़तरनाक सा तैयार हुआ है ये। देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसे स्टीम कर रही हूँ। फ्रेंड इसे थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई पैन में ढक्कन लगाकर भाप लगने दूंगी ताकि अंदर के सारे वेजिटेबल्स फ्राई हो जाएं और अब हमारा ये तैयार हो गया। मैंने थोड़े से ओलिव्स लगाए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें ओलिव्स भी लगे हुए हैं कांडी में। फ्रेंड्स ये बर्गर मेरा तैयार हो गया है। इंशाल्लाह फ्रेंड्स आप सबको बर्गर की रेसिपी अच्छी लगेगी, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको फ्रेंड्स बर्गर की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे कुछ अच्छी ख़तरनाक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़।